जय हिंद एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। आज की वीडियो होने वाली है हमारी इमरान मलिक की बॉलिंग के ऊपर, और आज इस वीडियो में मैं आपको डीपली एनालिसिस करके बताऊंगा कि कैसे जो है इमरान मलिक इतनी यंग एज में इतना हाई पेस जनरेट कर पा रहे हैं। जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो पहले मैं आपको बता दूँ, बॉलिंग एनालिसिस करते टाइम मैं यहाँ पर कुछ मैकेनिकल टर्म्स का यूज़ करूँगा, जैसे कि हिप शोल्डर सेपरेशन, स्टिफ बैक फुट कॉन्टैक्ट, इम्पल्स स्ट्राइड और ऐसे कई सारे। तो अगर आपको कोई भी टर्म समझ में नहीं आती है तो आप मेरी पुरानी वीडियोस जाकर देख लीजिएगा, आपको जो है सारे टर्म्स जो है अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं तो मैं यहाँ पर आपको एक एश्योरिटी देता हूँ कि आप लोग जो है बहुत सारी नई चीज़ें सीख कर जाएंगे। बस आपको क्या करना है, आपको पेशेंस के साथ ये वीडियो पूरा एंड तक देखना है। तो चलिए गाइस, अब मूव करते हैं हम हमारे एनालिसिस की ओर। गाइस, इमरान मलिक की बॉलिंग में जो पहला की अट्रैक्टर है जो कि उनकी बॉलिंग को बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बनाता है, वो है उनका रनअप। अगर आप उनका रनअप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि उनका जो साइक्लिक पैटर्न है वो बहुत अच्छा है। अगर आप किसी भी एथलीट को भागते हुए देखोगे, जो 100 मीटर के स्प्रिंटर्स होते हैं, ओलंपिक में भागते हैं, तो आप देखोगे कि उनकी जो साइक्लिक मूवमेंट है वो बहुत अच्छी होती है। जितना फोर्स वो रनअप पर प्रोड्यूस करना चाहते हैं वो फोर्स प्रोड्यूस होता है, और साथ ही में उनकी बॉडी कहीं पर भी डीएक्सेलरेट नहीं करती है। इसका एक बहुत ही बड़ा सीक्रेट है, वो है उनके टेंडेंस में। टेंडेंस स्टिफनेस जो है उनकी बहुत अच्छी है। इमरान मलिक की टेंडेंस स्टिफनेस जो है उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है उनके रनअप में। तो जैसे ही वो रनअप पर भागते हैं तो उनकी एक स्ट्राइड से दूसरी स्ट्राइड पर जो वेट ट्रांसफर है वो बहुत अच्छे से होता है। और ये जो क्वालिटी है ये बताती है कि इमरान मलिक एक बहुत ही अच्छे एथलीट भी हैं। अब गाइस, यहाँ पर रनअप के बाद जो सेकेंड मेजर पॉइंट आता है इमरान मलिक की बॉलिंग में, वो होता है उनका इम्पल्स स्टेप। मतलब कि रनअप में उन्होंने जो मोमेंटम क्रिएट करा है, रनअप पर इतना अच्छा भाग कर वो गए हैं, तो अब वो जंप में कितना इफेक्टिवली उसको ट्रांसफ़र करते हैं। इसका जो उनका सीक्रेट है वो है उनकी इम्पल्स स्टेप पर। मतलब कि लेफ्ट लेग से जब वो जंप लेते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिवली उन्होंने रनअप में जो मोमेंटम और एनर्जी बिल्ड की है उसको बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी जंप में ट्रांसफ़र कर पाते हैं। जैसे ही उन्होंने जंप ली उसके बाद जो है उनका एक रोटेशनल मूवमेंट चालू होता है, मतलब कि उनकी अपर बॉडी भी और लोअर बॉडी दोनों साइड ऑन होने लगती है। फिर उसके बाद जो तीसरा मेजर पॉइंट आता है वो है उनका शिन लीड। मतलब कि उनका जो बैक फुट है वो अपने शिन से लीड करते हैं। जब ऐसा होता है तो उनकी अपर बॉडी ऑटोमेटिकली रॉक बैक करती हुई जा रही होती है। मतलब कि जंप के टाइम पर उनकी अपर बॉडी पीछे होती है, रॉक बैक कर रही होती है, और जो उनका पीछे वाला पैर है दैट इज़ बैक फुट, वो आगे की ओर चल रहा होता है। इससे क्या होगा, उनको आगे जाकर अपनी बॉलिंग में रोटेशनल मूवमेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब शिन लीड होने के बाद एक और जो मेजर की पॉइंट आता है वो है उनका बैक फुट कॉन्टैक्ट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, बैक फुट कॉन्टैक्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से ही डिसाइड होता है कि बॉलर का एक्शन या तो कोलैप्स करेगा या तो एक फॉरवर्ड मोमेंटम लेकर आगे निकल जाएगा। अब यहाँ पर इमरान मलिक की बॉलिंग में जैसे ही उनका बैकफुट कॉन्टैक्ट लैंड होता है, आप नोटिस करोगे कि उनकी जो कॉन्टैक्ट लैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। मतलब कि पैर पड़ता है और एक स्टिफ लैंडिंग लेता है, बहुत ज़्यादा उनका नी बैंड नहीं होता है, कोलैप्स नहीं करती उनकी बॉडी। उनका नी जब बैंड नहीं होता है, उनकी स्टिफ कॉन्टैक्ट होता है, तो उनकी बॉडी प्रीटर्न करती है। प्रीटर्न में क्या होता है कि आपके जो हिप्स हैं इंटरनली रोटेट करते हैं आगे की ओर। इससे क्या होगा कि उनको हिप शोल्डर सेपरेशन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब यहाँ पर जो उनका सबसे बड़ा मेजर पॉइंट है वो आता है फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट का। उनकी बॉलिंग में जो वन ऑफ द बेस्ट चीज़ यही है कि उनकी जो फ्रंट फुट कॉन्टैक्ट लैंडिंग है वो बहुत अच्छी है। मतलब कि अगर आप उनका आगे वाला पैर देखोगे, बहुत सारे लोग बोलते हैं उनका आगे वाला जो पैर है वो ब्रेस हो रहा है। यस, डेफिनेटली ब्रेस हो रहा है, लेकिन ब्रेस होने से पहले वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रह रहा है। मतलब कि वो अपना जो आगे वाला पैर है फ्रंट फुट, उसको कॉन्शियसली ब्रेस नहीं करते हैं, उसको लॉक नहीं करते हैं। ऑटोमेटिकली उनके न्यूरॉन पैटर्न्स जो हैं इतने अच्छे तरीके से डेवलप्ड हैं कि जैसे ही उनका आगे वाला पैर लैंड होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। मतलब कि 1-2 इंच भी बैंड नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि उनकी जो लोअर बॉडी है बहुत ज़्यादा स्टेबल है क्रीज पर, इस पॉइंट पर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अभी, आप देखते जाइए कि उनका जो पैर है कितना ज़्यादा स्टेबल है आगे वाला। अब यहाँ पर जो है उनका हिप शोल्डर सेपरेशन हो गया है। आप ध्यान से देखिए, उनकी लोअर बॉडी बिल्कुल सामने आ गई है, ठीक है, और उनका जो राइट आर्म है वो पीछे जा रहा है। दिस इज़ कॉल्ड हिप टू शोल्डर सेपरेशन। अब हिप और उनके शोल्डर सेपरेट हो गए हैं, अब उनकी डिले बॉलिंग आर्म का जो रोल है वो आता है। अब यहाँ पर एक और अगेन उनकी बॉलिंग में एक और मेजर की अट्रैक्टर है, जो की पॉइंट है यही है कि उनकी जो बॉलिंग आर्म है वो बहुत ज़्यादा डिलेड होती है, जिससे कि अगेन उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। जब ऐसा होता है तो आप सोच सकते हो दिस इज़ द सीक्रेट, दिस इज़ द साइंस कि पूरी जो 150 किलोमीटर की जो पेस है वो यहाँ से बनकर आती है। मतलब कि उनकी बॉलिंग में जो है एक एक मेजर की अट्रैक्टर एकदम परफेक्ट है। इसलिए 21 की एज में वो 150 प्लस बॉलिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द बॉल जो उनके स्पेल में होती हैं। और मैं आपको बता दूँ, ये सारे जो की अट्रैक्टर्स हैं उनकी बॉलिंग में नेचुरली हैं, इनबिल्ट हैं, उनका एक्शन इतना अच्छा है, साथ में उनकी एक एथलेटिक बॉडी है। तो यहाँ पर जो बॉलर्स ये वीडियो देख रहे होंगे उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या वो की अट्रैक्टर्स डेवलप करके अपना पेस इंप्रूव कर सकते हैं।
डेफिनेटली आप पेस इंप्रूव कर सकते हो। मैंने लास्ट वन ईयर में बहुत सारी वीडियोस डाली हैं की अट्रैक्टर्स को डेवलप करने के लिए, तो आप वो वीडियोस देखकर उन ड्रिल्स को फॉलो करके, इन की अट्रैक्टर्स की भी अलग अलग ड्रिल्स होती हैं, उनको फॉलो करके जो है अपना पेस डेवलप कर सकते हो। उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं ये प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ आपको कि आप 150 ही डालोगे, बट इतना ज़रूर हो सकता है कि आप जहाँ पर भी हो, अगर आप फॉर एग्जांपल 115 फेंक रहे हो, तो आप 120-125 जो है एक अच्छे टाइम पीरियड के गैप में अचीव कर सकते हो, जो कि एकदम पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप अपनी फिटनेस पर अच्छा काम करोगे, अच्छी डाइट, अच्छी स्लीप, अच्छी रिकवरी फॉलो करोगे, इन की अट्रैक्टर्स की ड्रिल करोगे, तो डेफिनेटली जो है आपकी धीरे धीरे बॉलिंग जो है बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगी। क्योंकि ऐसा बहुत सारे बॉलर्स की जो है बॉलिंग इंप्रूव हुई है। मेरे पास बहुत सारे बॉलर्स जो वीडियो शेयर करते हैं हमारे इंस्टाग्राम के पेज पर, तो मैंने देखा है कि उनकी बॉलिंग जो है बहुत इंप्रूव हुई है जब से उन्होंने जो की अट्रैक्टर्स की ड्रिल्स हैं उनको फॉलो करना स्टार्ट करा था। सो गाइज, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुड बाय एंड जय हिंद।